ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 28 तारीख को जयपुर में होने वाले कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी की रैली की तैयारियों के लिए यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट व खेल मंत्री अशोक चांदना ने यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट कार्यक्रम में शिरकत की। स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट के इस कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत और सचिन पायलट अपने अपने संबोधन के दौरान मंत्री अशोक चांदना के साथ एक दूसरे पर चुटकी लेते नजर आए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मंत्री अशोक चांदना ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि मुझे कुछ दिनों में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बने 7 साल पूरे होने वाले हैं, तो इस पर चुटकी लेते हुए सीएम गहलोत ने कहा, सचिन जी को पीसीसी अध्यक्ष बने 6 साल हुए हैं, आपको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बने 7 साल, ये तो रिकॉर्ड बन गया। इस पर सचिन पायलट ने अपने संबोधन के दौरान कहा, चांदना जी के 7 साल पूरे होने पर अशोक गहलोत जी ने कहा कि यह रिकॉर्ड बन गया, लेकिन रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। मेरे बाईं ओर बैठे अशोक चांदना जी मेरे छोटे भाई हैं और दाईं ओर बैठे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं और मैं बीच में बैठा हूं। हम सबको मिलकर इस राहुल गांधी जी की रैली को सफल बनाना है। मुझे भी 7 साल पूरे होने वाले हैं 1-2 महीने में, 7 साल एज ए प्रेसिडेंट। 2013 में मैं बना था सर, अभी बता रहे थे गहलोत साहब ने कहा कि अशोक चांदना जी रिकॉर्ड तोड़ रहे, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है और रिकॉर्ड टूटते रहना चाहिए। अब मैं अशोक जी मेरे छोटे भाई हैं, वो मेरी बाई तरफ बैठे हैं और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, मेरी दाई तरफ बैठे और बीच में मैं बैठा हूँ। आप समझ लो कि कैसे हम सबको मिलकर इस कार्यक्रम को और कार्यक्रम के साथ साथ जो मुद्दा राहुल जी ने दिया है हम सबको। वहीं दोबारा सीएम गहलोत ने अपने संबोधन के दौरान मंत्री चांदना से मुस्कुराते हुए पूछा कि चांदना जी अध्यक्ष बने 7 साल हो गए हैं तो सीनियोरिटी सबकी हो गई है, अब चुनाव होंगे यूथ कांग्रेस के, तो हो सकता है बदलाव भी हो जाए, आपको एतराज तो नहीं है ना? इस पर चांदना ने कहा, बदलाव तो होना ही चाहिए। आगे सीएम गहलोत ने कहा, अब बदलाव भी होंगे और प्रमोशन भी होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत के इस अंदाज पर उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर हंसी आई और माहौल खुशनुमा बन गया। आप लोग बहुत ही सीनियर, 7 साल में मैंने अध्यक्ष हमारे, इतनी सीनियर सबकी हो गई, ठीक है ना? तो आप सब सीनियर लोग बैठे हो, कृपा करके आप, अब चुनाव होंगे तो हो सकता है बदलाव भी हो जाए, ठीक है? आप बदलाव तो नहीं है, आप बदलाव तो नहीं है ना? बदलाव वहीं इस कार्यक्रम में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया का संबोधन भी चर्चा में रहा। दरअसल एग्जीक्यूटिव मीट को संबोधित करते हुए पूनिया ने उपस्थित पदाधिकारियों को रैली में कार्यकर्ताओं व युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में लाने की बात कह रहे थे। इसी दौरान पूनिया ने कहा कि पूरे प्रदेश से छात्रों को लाने के लिए जो भी संसाधन चाहिए होंगे वो राजस्थान सरकार हमें उपलब्ध करवाएगी, आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जयपुर लाएं। इस पर मंच पर बैठे सीएम गहलोत, पायलट व चांदना सहित अन्य लोग मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। अपने संबोधन के दौरान पूनिया यह भूल गए कि ये राहुल गांधी की रैली सरकारी न होकर पार्टी का कार्यक्रम है और इसके लिए सरकारी स्तर से खर्चा नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, खेल मंत्री एवं यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चांदना, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, युवा विधायक मुकेश भाकर, चेतन डूडी सहित यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई के प्रदेश व जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।